हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कुक एंड इजी तंदूरी ग्रिल चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है लेग पीसेस और थाई पीसेस। इसको थोड़े से इसमें कट्स लगा दिए हैं और मैंने ऐड किया है थिक कर्ड 2 कप्स, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून ऑफ नमक, सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर, मिर्ची 2 स्पून्स, 1/2 लेमन और ये गरम मसाला मैंने ऐड किया है। ज़्यादा लेमन भी मत डालिए। और अब इसमें अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे और उसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। और 1 आवर भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। क्रश्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसी तरह भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट ऐड काली मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पे हीट हो रहा है ऑयल, पैन में नॉनस्टिक यूज़ कर लीजिए। जो ग्रेवी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कम्प्लीटली, दो अलग सेपरेट कर दीजिए चिकन और ग्रेवी को, और जो भी जूस है उसे कम्प्लीटली निकाल दीजिए। और आप प्लीज़ अवॉइड करिए एनी फूड कलर्स। यू कैन यूज़ कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द कलर, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ इफ़ यू अवॉइड एनी कलर एक्सेप्ट द कश्मीरी लाल मिर्च, इट्स गुड। यहाँ पे अच्छे से सॉटे कर लीजिए उसको। ऑयल साइड से निकल चुका है, दैट मीन्स ये कुक हो चुकी है। थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए उसको। और अब इसमें ऐड करिए चिकन्स। इसको आने में वेरी टेस्टी एंड यमी, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और हमने साइड में लिया है माइक्रोवेव का ग्रिल, उसको अच्छे हाई फ्लेम पे आपको लगाना है और सब ग्रिल करना है। इसको फर्स्ट आप 1/2 आवर तक कुक कर लीजिए, मॉइस्चर चला जाना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए। ये देखिए माइक्रोवेव का ओवन का ग्रिल, बोथ साइड्स अच्छे से उसे ग्रिल कर लीजिए। इस तरह का कलर आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा जला मत दीजिए इसको। ये देखिए सॉफ्ट एंड यमी, क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड टेस्टी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।